नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल सिंपल टिप्स श्रेया में। आज मैं बात करने वाली हूँ स्किन एजिंग की समस्या को लेके। स्किन एजिंग सिर्फ मतलब उम्र बढ़ने की वजह से ही स्किन एजिंग नहीं होती है। स्किन एजिंग बहुत सारी जो हमारी आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो हम शेड्यूल फॉलो करते हैं, उसकी वजह से स्किन एजिंग होता है मेनली। तो मैं आगे अपने वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि स्किन एजिंग से आप कैसे बचें और किस लिए आपको स्किन एजिंग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी स्किन एजिंग की समस्या से बच सके। और अगर आपको मेरे आगे के वीडियोस जो भी मैंने शेयर करे हैं वो आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। स्किन एजिंग क्यों होता है? मेनली कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से स्किन एजिंग होता है। लैक ऑफ स्लीप, अगर आप ठीक से रात को सोते नहीं हैं, 7 से 8 घंटे की जो नींद ज़रूरत होती है वो आप पूरा नहीं लेते तो आपको स्किन एजिंग हो सकती है। फिर एयर पोल्यूशन से भी स्किन एजिंग हो सकती है। फिर सन रेडिएशन से भी स्किन एजिंग होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप वगैरह में घूमते हैं तो स्किन एजिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं तो भी स्किन एजिंग होती है। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते तो भी स्किन एजिंग हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप अल्कोहल पीते हैं एंड स्मोक वगैरह करते हैं तो भी स्किन एजिंग होती है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हैं अगर हम तो हम स्किन एजिंग से बच सकते हैं। मेनली हम तो सबसे पहला होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश वाला हो, पेड़ हो, तो आप उसे अप्लाई करिए, और अगर नहीं हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। मैं पर्सनली एलोवेरा, ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। आप कोई भी जेल ले सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से भी ले सकते हैं। एलोवेरा में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है और ये विटामिन ई से भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। तो इसीलिए कभी भी जैसे आपके मतलब फेस में रिंकल्स वगैरह जो होते हैं या स्किन बहुत डल दिखती है, अगर आप एलोवेरा जेल को 1-1.5 महीने पूरा रेगुलरली आपको यूज़ करना है। आप मतलब नॉर्मल क्रीम अप्लाई करते हैं उसकी जगह पे ये एलोवेरा जेल को आप अप्लाई करिए तो ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपका मतलब स्किन एजिंग अगर हो रही है तो उसे भी रोकेगा, और अगर नहीं भी है, जैसे मैं पर्सनली अप्लाई करती हूँ, मेरी स्किन एजिंग की कोई टाइम नहीं है अभी, पर फिर भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ क्योंकि ये मेरे फेस के लिए अच्छा है। केमिकल वाले क्रीम्स वगैरह यूज़ करने से अच्छा कि मैं ये एलोवेरा जेल यूज़ करूँ, ये बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं एग वाइट की। एग वाइट अंडे की सफ़ेदी, जो अंडे को हम फोड़ते हैं और जो उसका वाइट वाला पोर्शन रहता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कब इसकी स्मेल बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट अगर आप इसे डायरेक्टली अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके स्किन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसके जो विटामिन्स और इसमें जो प्रोटीन कंपाउंड होते हैं, ये हमारे जो फेस में अगर रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं तो उसे मतलब ये बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर देता है और मतलब रोकता भी है आगे होने से। तो इसीलिए एग वाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हमारे स्किन में अगर जो एक्सेस सीबम होता है उसे भी अब्सॉर्ब कर लेता है। सीबम क्या होता है कि जैसे हमारे जिसका भी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होता है या वैक्सी जो कंपोनेंट आपके स्किन में कभी कभार मतलब परत जैसा जम जाता है आपकी स्किन पे, उसे अब्सॉर्ब करता है। ये चीज़ हमारे स्किन में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, पर जब एक्सेस हो जाता है तो ये हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो जो वो गंदा वाला होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए एग वाइट हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उसकी स्मेल
सहन कर सकते हैं, मतलब उसकी जो बदबू है उसको अगर आप स्मेल मतलब सहन कर सकते हैं, तो ज़रूर आप एग वाइट अप्लाई करिए। ये आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपकी स्किन को टाइटन करता है। मतलब जिनकी भी स्किन लटक गई है, या बहुत सारे लोगों का होता है चमड़ी ढीली हो जाती है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी रिंकल्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और हमारे स्किन में अगर इलास्टिसिटी खो जाती है तो उसको भी रीस्टोर करता है। इसीलिए कोकोनट ऑयल भी एजिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं बनाना मास्क। बनाना में विटामिन ए बहुत मात्रा में होता है, जो कि हमारे स्किन को, मतलब कभी आपके स्किन में दाग धब्बे होते हैं, ब्लैक डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, और तो उसे रिड्यूस करता है। और अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब स्किन अगर आपकी हाइड्रेटेड नहीं रह रही है, जैसे हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे फेस को भी एक वाटर कंटेंट, एक अमाउंट की ज़रूरत होती है, वो अगर नहीं होता है आपके स्किन पे या फेस में, तो आपके मतलब फेस में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसे हाइड्रेट रखने के लिए ये बनाना मास्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बनाना मास्क कैसे बनाएं आप? नॉर्मल हाफ बनाना लीजिए, उसे हाथ से या स्पून से आप क्रश कर लीजिए, और उसे अपने फेस पे अप्लाई करिए। 10 से 15 मिनट रखिए, वो सूख जाता है, एकदम टाइट हो जाता है आपका स्किन, देखिएगा। फिर उसके बाद आप नॉर्मल पानी से उसे वॉश कर लीजिए। आते हैं ऑलिव ऑयल। देन ऑलिव ऑयल हमारे स्किन के लिए या स्किन एजिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट प्रोडक्ट होता है, या मतलब हमारे स्किन में अगर रिंकल्स हो जाते हैं, जो फाइन लाइंस, हल्के हल्के जो एकदम लाइंस जो हो जाते हैं, उनको क्योर करने में ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जैसे स्किन का कोलेजन लेवल होता है, उसे भी ये इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। इसीलिए ऑलिव ऑयल स्किन एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसलीन भी बहुत अच्छा होता है। वैसलीन को अगर आपके स्किन में रिंकल्स हो गए हैं या हल्का हल्का पड़ना शुरू हुआ है, तो आप ज़रूर वैसलीन को भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली उसी जगह पे अप्लाई करिए, वो आपके स्किन का जो मॉइस्चर होता है उसे लॉक करने में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए वैसलीन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मतलब खीरा, खीरा जो होता है, खीरे का मास्क, ये कुछ नहीं, सिर्फ आप खीरे को ग्रेट कर लीजिए अच्छे से, मतलब किस लीजिए उसको, और उसका जो भी थोड़ा सा रस निकलता है, उस रस को आप अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करिए, और फिर सूख जाए तो फिर वॉश कर लीजिए। खीरे में वाटर कंटेंट होता है, उसमें विटामिन होता है, उसमें मिनरल होता है, ये सब चीज़ों की वजह से यह आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, और मतलब स्किन टाइटन करता है। मतलब जैसे अंडा जैसा करता है ना, एकदम स्किन को टाइटन कर देता है, वैसे ये भी हेल्प करता है आपके स्किन को टाइटन करने में। तो जो भी अगर अंडे की स्मेल पसंद नहीं करते हैं, एग वाइट की स्मेल को आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो आप ये कुकुम्बर मास्क को लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होगा। ये आपके स्किन को मतलब ड्राइनेस से भी बचाता है। और एक चीज़, ये आप शुरू करेंगे हफ्ते 10 दिन में ये काम नहीं करने वाला, आपको कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने तक इसे कंटिन्यूसली अप्लाई करना है, और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, धूप से बचना, पोल्यूशन से बचना, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए। ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्किन को अच्छा रखने के। तो मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए मेरा ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।